وسلم عليك يا ऊंची पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या से आजम मोहम्मद का महबूब है से आजम जमाने का सुल्तान है से आजम मोहम्मद का महबूब है से आजम जमाने का सुल्तान है गौसे की हर मची तुम है गौसे आजम का घर घर में फैजान है गौसे की हर जगह मची तुम है गौसे आजम का घर घर में फैजान है उसने चोरों को देखा वली कर दिया पुरखताओं को खुतबे जली कर दिया उसने चोरों को देखा वली कर दिया पुरखताओं को खुतबे जली कर दिया गौसे आजम की है हर नजर की मिया गौसे आजम की है हर नजर की मिया उनका फरमान खालिक का फरमान है गौस की हर जाम चीजों में है गौसे आजम का घर घर में फैजान है सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई मोहरे उनके कदम की लगाई गई सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई मोहरे उनके कदम की लगाई गई चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो मेरे गौसे जली का मदाखान है गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है गौसे आजम जमाने का सुल्तान है गौसे आजम विलायत का सरताज है हर जगह हर घड़ी आपका राज है गौसे आजम विलायत का सरताज है हर जगह हर घड़ी आपका राज है उनके हाथों में साइम की लाज है उनके हाथों में साइम की लाज है जो मुरीदों का हर दम निगेबान है गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है गौसे आजम जबाने का सुल्तान है गौस की हर जाम चीजों में है
غوثِ اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد اور صلات و بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر درود و سلام دے ہدیے عقیدتا دے پھول پیش کرنے تو بعد کندیل نورانی عالم ربانی شہباز لا مکانی حضرت سیدنا عبدالقادر المعروف غوث جیلانی آپ دی اچھی بابرکت بارگاہ دے اندر منقبت دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد افتخار الحسن صاحب اور بھائی محمد فیاض صاحب ناظرین و سامعین و حاضرین اللہ تعالیٰ دی پاک کلام دے وچوں چند الفاظ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی. میرے رب نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان رکھن والے لوگو ایمان دی دولت اپنے سینے دے اندر جاگوزی کرن والے لوگو اتق اللہ جے ایمان لیندا جے تے پھر اللہ تو ڈرو پرہیزگاری اختیار کرو تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے اللہ دے جڑے سچے بندے نے انہاں دے سنگ رل جاؤ سچیاں دے سنگ رل جاؤ اس واسطے میاں محمد بخش رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دے لڑ لگے ہاں جوڑی پھل پئے برے بندے دے لڑ لگے ہاں میرے اگلے بھی برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے بھاوے کنج کنج بھئیے پر چنکاں پین ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت سبحان اللہ رومی کشمیر فرما دینے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں اللہ والیاں دے سنگ رلنا صحبتِ تالے ترا تالے کلت صحبتِ سالے ترا سالے کلت اے کسے اللہ دے نیک بندے دا اکھان ہے فارسی دے اندر کہ برے بندے دے کول پوے گا تیری رغبت برائی ول بڑھے گی اگر اچھے بندے دی صحبت وچ آ جائے گا تینوں اللہ مزید اچھائی دی توفیق عطا فرمائے گا تے جڑے اللہ والیاں دے کول آ کے بہ جاندے نے انہاں تے کنے کرم ہوندے نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے حضور فرماتے نے کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق اللہ دے فرشتے زمین دے اتے آکے گلیاں دیاں سہراں کر دینا گلیاں دیاں سہراں کر دینا
गलियां दे अंदर आके फिरते ने ते उन्हां दा काम की है गलियां दे अंदर फिर के करदे की ने यल्तमिसूना अहल ज़िक्र ओ अल्लाह दे नेक बंदियां नूं तलाश करदे ने जिहड़े अल्लाह दी याद विच मगन हो के बैठे होंदे ने उन्हां नूं आके तलाश करदे ने बस जदों उन्हां नूं कोई नेक बंदियां दी मजलिस मिल जांदी है अल्लाह अल्लाह करन वाली अल्लाह दी याद विच बैठी हुई एक मजलिस कोई चंद लोग उन्हां नूं बैठे मिल जांदे ने ओ फिर फरिश्ते अपने नूरानी पर उन्हां दे उत्ते आके कर देंदे ने और नूरानी परां दे नाल उन्हां नूं साया दे के ढांप लैंदे ने और फिर आखदे ने कोई हाजत है ते सानू दसो असीं अल्लाह दी बारगाह विच तुहाडी जाके हाजत पेश करिए ते ओ फिर अगों अल्लाह दे बंदे जिहड़े अल्लाह दी रिजा वास्ते अल्लाह दी याद वास्ते बैठे होंदे ने ओ बणास वार के जवाब देंदे ने कि तुसीं अल्लाह दी बारगाह विच साडी हाजत लैके जाओगे ते तुसीं दसोगे असीं जिस अल्लाह दे वास्ते महफल सजा के बैठे हाँ ओ साडियां हालतां नहीं जानदा ओ साडियां हाजतां नहीं जानदा चुनाचे ओ फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह दे विच जांदे ने अल्लाह फरमांदा तुसीं गए सो ते की करके आए हो की वेख के आए हो हुज़ूर फरमांदे ने फयसअलुहुम रब्बुहुम वहुवा आलमु बिहिम मा यकूल रब उन्हां तू जान के पुछदा है हालांकि रब पहले तू जानदा है मैं जो पुछण लगा इन्हां ने की जवाब देना है इधर मेरे रब दी आवाज आउंदी है फरिश्तियो तुसी की वेखी आए हो जमीन दे उत्ते तुसी गए सो इधर फरिश्ते अर्ज करदे ने यकूलूना ए साडे रब तेरे बंदे तेरी तस्वीर बयान पे करदे सन ओ तेरिया हमदा बयान पे करदे सन यकूल يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ فرشتے عرض کردے نے اللہ تیرے بندیاں دی ایک جماعت بیٹھی ہوئی سی جیڑا تیریاں عزتاں پہ بیان کردے سن اللہ تیریاں سلاماں بیان پہ کردے سن تیریاں بزرگیاں بیان پہ کردے سن او تیریاں تعریفاں بیان پہ کردے سن میرا رب فرماؤدا ہے فرشتے ہلونی क्या ओना मेरिया बंदिया ने मेरी जियारत की है क्या ओना ने मैनू वेख्या है फरिश्ते अर्ज करदे ने मौला ओना ने तेनू नहीं तकिया तेनू वेखण तो बगैर तेरिया इज्जत बयान पे करदे तेरे जलाल नो बयान पे करदे सन अल्लाह तेरी रही ते करीबी नु बयान पे कर दे सन अल्लाह ओ तेरिया इज्जतां नु बयान पे कर दे सन अल्लाह तेनु ओना ने वेखिया भी नहीं इधर मेरे रब दी आवाज आउंदी है फरिश्तिया जे ओ मेरे बंदे मैनू एक वारी वेख ले हालत आवेगी फरिश्ते अर्ज करदे ने अल्लाह जे तेनु एक वारी वेख ले जे तेरे जलवियां दा नजारा तक ले कानू अशद लक इबादत व अशद लक तमजीद व अक्सर लक तस्बीह अल्लाह जे एक बारी तेरे नजारियों नो वेख ले एक बारी तेरी ज्यारत कर ले ओ इबादत भी ज्यादा करनगे तेरी तस्बीह भी ज्यादा करनगे तेरियां तारीफा भी ज्यादा करनगे अल्लाह
अल्लाह उन्हां ने तेनू वेखिया भी नहीं मगर वेखण तो बगैर ही तेरियां इबादतां पै करदे ने वेखण तो बगैर तेरिया तारीफा बयान पिया करदे ने जे कदी ओ तेनू वेख लैण तेरी इबादत अगे नालों ज्यादा करण अल्लाह तेरी इज्जतां ज्यादा बयान करण तेरिया तस्बीहां ज्यादा बयान करण अल्लाह ओ तेरिया सनावां ज्यादा बयान करण या अल्लाह तेनू वेखण तो बगैर ही तेरिया इज्जतां बयान पै करदे सन मेरा रब फरमाउंदा मेरे बंदियो जिहड़े मैनू वेख तो बगैर मेरी एनी इज्जत बयान पे कर देने मैनू वेखण तो बगैर मेरिया इतनिया सनावा बयान पे कर देने आने टिठिया गैब दे उत्ते ईमान लिया के मेरिया बजुर्गियां बयान पे कर देने फरिश्ते कवायो जा मैं उन्हां सारिया दी बख्शिश फरमा छड़ी है हुण सुनो इना अल्लाह वालियां दे कोल जिहड़ा आके बैठदा ओहदे ते किन्ने करम हुंदे ने मेरे आका फरमाउंदे ने इक फरिश्ता अल्लाह दे हुजूर अर्ज़ी करदा अल्लाह उहनां दे विचों इक बंदा इंजदा वी सी या रब्बे फीहिम फलानुन अबदाउन अबदुन खताउन व इन्नमा मर्रा फजला समाअहुम या अल्लाह उहनां विच एक बंदा इंजदा वी सी जिहदी नीयत नहीं सी के तेरा जिक्र करे तेरे बंदियां दे कोल बस गली विचों लंघदियां लंघदियां महफिल दे कोलों गुजरदियां गुजरदियां एवें तेरे बंदियां विच बैठ गया अल्लाह तू सारियां दा ऐलान पिया करना है अल्लाह जिहड़ा एवें गुजरदियां गुजरदियां बैठ गया ओहदे बारे की कहवे मेरे रब दी आवाज आउंदी है मेरे आका फरमाउंदे देने फयकुलुल्लाह वलाखु गफरतुहुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसा मेरा रब फरमांदा फरिश्तिया मैं अपने बंदियां अपनियां हमदां सनावां ते जिक्र करण दी बरकत दे नाल बख्शिया है जेड़ा ओना दे विच आके एवें बैठ गया सी मैं अपने बंदियां दी वजह तो ओदी भी बख्शिश कर छड़ी है चंगे बंदे दी साबत यारो सौदा मोल लइए ना लइए उल्ले आने हजारा सौदा मोल लइए ना लइए उल्ले आने हजारा बुरे बंदे दी सोबत कपड़े भावे कोजी कोजी पईए पर छिड़का पैण हजारा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हजरत गिरामी कदर मेरे करीम आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दे नेक बंदियां दा जिक्र करया करो क्यों फरमाया कि जदों तुसीं अल्लाह दे नेक बंदियां दा अल्लाह दे पसंदीदा बंदियां दा इंज कह लो अल्लाह दे महबूब बंदियां दा जिक्र करोगे अल्लाह तुहाडे गुनाहां दा कफारा बना देवेगा उस जिक्र अल्लाह अकबर फरमाया कि तुहाडे विच बेहतरीन खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़िक्र अल्लाह
बेहतरीन वो लोग ने जिन्हां नूं वेखो ते अल्लाह याद आ जाए। हुज़ूर ने फरमाया ऐसे लोगों का तज़किरा करिया कर, और अल्लाह दे पसंदीदा बंदियां दा जिक्र करना ये अल्लाह दे हबीब दी भी सुन्नत है। मैं बड़ी वड्डी दलील पेश करना, नबी पाक बैठे ने मस्जिद नबी दे अंदर ते यमन आले पासे मुंह करके आए हाय हाय, हुज़ूर ने अपने इंज करके बटन खोले, सहाबा फरमाते ने बटन खोल के सीना मुबारक नंगा करके हुज़ूर अल्लाह दी पसंदीदा शख्सियत दा जिक्र करन लग पे। दुनिया उस अल्लाह दे महबूब बंदे नूं वैसे करनी आखदी है, मतलब एवे के अल्लाह दे नेक बंदियां दा जिक्र करना सरकार दी भी सुन्नत है। आओ हुण थोड़ा जिहा जिक्र करिए अल्लाह दे नेक बंदे दा। केड़ा अल्लाह दा नेक बंदा? आहा हा, जाहिल नहीं। आज तो बहुत नेक बंदे ही बने रहना भाई, एक बंदे दी मशहूरी पड़ी है, वो 40 साल हो गए ने नाते ही नहीं, 40 साल हो गए ने उस मुंह धोते ही नहीं, 40 साल हो गए ने उस पानी नू हाथ लाए ही नहीं, तो लोग ओहदे पिछे दीवाना वार लगे फिरते। एक दा क्लिप सुनन नू मिलिया, अल्लाह माफ करे, वह पैंदा सी चाबियां जिहड़ियां ने ना बारिश दियां, फरिश्ता मेरे को आया बारिशां वाला तो उस चाबियां मैनू दे छड़ियां, आप उन्हें की ये अटैक होया, हार्ट का पेशेंट ते अस्पतालां में जाके धक्के ठुडे खांदा पिया ते जाके स्टंट पवांदा फिरदा, और मैं क्या मरे वो जिहड़ियां चाबियां तैनू उस फरिश्ते आके दित्तियां ने उहदा तरला कर लैंदा, वह को तेरे दिल नूं सिद्धा कर जांदा। इत्थे ते इह विलायत दे हाल ने, बल्कि अल मुख्तसर जेड़ा जरूरत तो बहुते पा लवे ते जरूरत तो बहुते ला छड़े, इत्थे विलायत दा हाल वे ए। लेकिन असी इहो जिहां नूं वली नहीं मनदे, असी ते वली उहनूं मनने आ मियां जिहनूं बरेली दे ताजदार ने वली मनिया। बरेली दे ताजदार रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कामिला ने तरीकत पे कामिल दरद, सारे ते नहीं जेड़े तरीकत दे कामिल लोग ने, कामिला ने तरीकत पे कामिल दरद, हामिला ने शरीयत पे ला कुसलाम, हामिला ने शरीयत पे ला से आस ईमान मुत्तका वनका, हौसे आस ईमान मुत्तका वनका, जलवाए शान कुदरत पेला कुसलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला। सारे दी आवाज आवे ते ऊंची आवाज आवे, मुस्तफा जाने सलाम, शमाए बज में हिदायत पे असी किनू अल्लाह दा वली मन्ने आ, मरदे खैले तरीकत पे बेहद दरूद, मरदे खैले तरीकत पे बेहद दरूद, फरदे आहले हकीकत पे ला
इना दी समझ नहीं आई ते होने लग जाएगी बिल्कुल आसान फैम। आपने शेर लिखिया फरमाते ने अल्लाह दा वली ओ नहीं हुंदा जिन्ने लिट्टा जमीन तक रखिया आवन अल्लाह दा वली ओ नहीं हुंदा जेड़ा नहावे कदी ना बेशरीयत अल्लाह दा वली नहीं आ सकदा नबी दे दीन तू रुख मोड़न वाला अल्लाह दा नबी नहीं आ सकदा जादू टूणे ते मंत्र करण वाला अल्लाह दा वली नहीं आ सकदा कौन वली आ सकदा जिनकी हर घर आता सुनते मुस्तफा जिनकी हर घर आता सुनते मुस्तफा अपना कीता डट के बयान करो जिनकी हर घर आता सुनते जिनकी घर घर आता ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस मेहदा कौन हजरत गौसे आजम सरकार अल्लाह तेरा उलूम दे उत्ते मुकम्मल दस्तरस और तेरा उलूम दिया आपने किताबा 30 साल पढ़ाईया ने जामिया निजामिया बगदाद शरीफ विच आपने मदरसा बनाया हफ्ते विच 3 दिन आप खिताब फरमाते सर 3 दिन ते उस खिताब दे दौरान 60,000 तो लेके 1 लाख तक आवाम हुंदी सी ते ओ जिहड़ी आवाम 60,000 तो लेके 1 लाख तक दा जिहड़ा मजमा हुंदा सी ओदे विचों कम अज कम 12,000-14,000 उलमा मौजूद हुंदे सन ते 400 दे लगभग कातिबीन आप दे खिताब नूं लिख दिंदे सन हजरते सुल्तान बहू रहमतुल्ला अलैह आपने इसे वास्ते लिखिया बाज इलम जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। अच्छा उन्हें तो मेरे गल याद आ गई है भी महबूबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी अल्लाह दे नेक बंदियां दा जिक्र करो एदा मतलब ए नहीं भी नफरत नाल करो मोहब्बत नाल करो अकीदत नाल करो ते हुक्के ते मुक्के नाल नहीं अपना चेहरा हुक्के ते मुक्के वर्गा नहीं पुर मसर्रत बना के जिक्र करो ते सुल्ताने बाऊ रहमतुल्ला अलैह ने जो जड़े हजरत गौसे पाक दे मुतल्लक अबियात लिखे ने शेर लिखे ने ओना नफरत नाल नहीं मोहब्बत नाल लिखे ने एथों तक मोहब्बत दे इजहार करदे लिखदे ने फरमाउंदे ने बगदाद शहर दी उते उचिया लमिया चीरा तन मन मेरा कफी नी पागे
महिलाएं बगदाद शहर दे टुक रे बगीसा नाले करसा अल्लाह नू राजी कीते जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने अल्लाह फरमाता है फज़ करूँ नहीं आज़ कर कौन और तू मेनू याद करिया कर मेरे बंदे मैं तेनू याद रखांगा तो फिर जी अल्लाह नाल कोई गल करना अल्लाह भी फिर आंदा चल मेरे बंदे तेरे मुंह दे विचों लफ्ज़ निकल गए ने आज निका जा काउंसलर हो निका जा काउंसलर मल्ले दा एमएनए दे घर कोई खुशी आ जाए ते वड्डे जिहड़े हुंदे ने नाज़म शाज़म ओ फिर ट्रालियां भर भर के ले जांदे ने गड्डियां दियां गड्डियां ले जांदे ने ओ बिल्कुल माड़ियां दा नुमाइंदा हुंदा है कौंसलर मजदूर कौंसलर खुद भी मजदूर हुंदा है 5-700 दी दिहाड़ी कमाण वाला ओ फिर बहुता भी ना ना होवे नाजम जड़ा है वह तो लैके जाता है जलेबियाँ तो बर्फियाँ तो कलाकंद मठियाइया अपनी तौफीक ना ये कोई तौफीक होंगी है भी तिलों दी रोड़ियाँ को दो चार पैकेट लैके ना नाजम के हाथे फड़ा छड़ जा लै जा तो चौधरी ने आखी भी असी भी पिछा नहीं असी भी तेरी खुशी के राजी हाँ आ मेरे वालों कबूल कर लै जे हूँ चौधरी भी हो नसली वो फिर आंदा मियाँ भुलिया तो नहीं ना हर थां ते मैनू याद ते रखिया सी ना ते जे कोई औखा सौखा वेड़ा बन जाए ना वो फिर बंदे ही गल छड़े निरा वो आख छड़ना भी सानू फलाने तेरे काउंसलर बेली खले है वो फिर आंदा मेरी खुशी दे विच बराबर दा खुश रहिंदा है ते मेरी गमी दे विच बराबर दा गम रहिंदा है मैनू हर वेले याद ते रखदा है ना चलो माड़ा तां की होया याद ते रखदा है ना ते ओ फिर आंदा तू आ गए मेरे बूहे ते ओदे वसीले नाल जा जा के दुध पी के सौ जा तेरा काम हो गया एवे अल्लाह दे वली भावे कोई निक्का दे भावे कोई वड्डा है उन्हें चूंके रब नाल इन्ना को ताल्लुक बनाया हुंदा है जे अल्लाह दे वली दे मुंह दे विचों भी निकल जाए ना जा दुध पी के जा के सौ जा अल्लाह दी कसम काम हो जाता है एडे वड्डे काम दरिया दजला दे किनारे दे मेरे गौस आपने एक दिन अपने संगियां नूं आखिया यार दिल कर दे कि मैं खलवत विच जाके अल्लाह दा जिक्र करा
अल्लाह दा जिक्र करां तन्हाई विच। ते आपने एक अपने संगी नूं नाल लिया ते दरिया दजला दे किनारे ते जाके सोहना जिहा इलाका वेख के बह गए। अल्लाह लखन लग गए आप दे कन्ना दे विच किसे रोण दी आवाज आई। आवाज सुनी ते आपने तजस्सुस किया। आपने अपने खादिम नूं संगी नूं फरमाया भी पता कर गया ऐ कोई रोण दी आवाज है ते मैनूं बेचैन भी कर दी है। इंज कर इस आवाज का पता लगा कौन है साडे वदिया जिहड़ा इत्थे परेशान बैठा है। हज़रत गौसुल आज़म सरकार दा संगी अजे उस आवाज नूं तलाश करन वास्ते जुस्तजू दे विच सी कि एक बंदा दौड़िया होया आया। हज़रत गौसुल आज़म सरकार दे सामने आके खलो गया आके आखण लगा खाली दर तो मोड़ना सखिया दे खैरात हुसन दी बेशक तेरे हाथ पड़ाई रब ने डोर जमर दी। हज़रत गौसुल आज़म सरकार दे करीब आ खलो गया। आपने फरमाया मियां किधर आया ते किन्नू मिलन आया। उस आखिया जी मैं जानना तुसी कौन हो जे छुपाण लगो ते मैं तुहाडी हकीकत नूं जानना तुसी कौन हो। वो सीधा स्वर आ गया उस आखिया तुसी अब्दुल कादिर तुहाडा नाम है तो तुसी बगदाद दे विचों आए हो। आपने चाहिया सी कि मैं अपने आप नूं छुपावां मगर आखण लगा मैं जानना गुले बागे अली हो समराए नखले हुसैनी हो गुले बागे अली हो समराए नखले हुसैनी हो हसन के तुम हो पर खुर्दार ए महबूब सुबहानी समुर्यत वो हसन के लाल हो काने हुसैनी के अली के गो दुर्रे शाह सवार महबूबे सुबहानी। आखण लगा मैं जानना तुसी अली दे लाल तुसी जहरा दे बेटे हो हसन दी भी औलाद हुसैन पाक दी भी औलाद। मैं जानना तुसी नजीब तरफैन सैयदा तुहाडा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। हज़रत गौसी आज़म ने फरमाया किवें आई है जे पहचान ली। आखण लगा पीर जी रोशन समीर जी के माई बड़ी मजबूर है दरिया दे किनारे दी उते 12 साल हो गए ने कोई भी दिन खाली नहीं जांदा सवेरे सवेरे आके बैठ जांदी है जद शाम दियां अज़ानां हुंदियां ने उठ के वापस अपने घर चली जांदी है। मेरे गौस ने फरमाया ओ क्यों इंज करदी है। आखण लगा हुजूर जी ओदा बेटा मर गया है ओदे बेटे ने शादी दरिया दे दूसरे किनारे वल कीती जदों बरात लेके वापस आउण लगा अद विचकार पहुंचिया इधर अद विचकार बरात पहुंची सारी बरात कश्ती दे अंदर सवार सी कश्ती दी कश्ती सारी कश्ती उलट गई हुजूर ओदा बेटा भी मर गया ओदी बहू भी मर गई सारी बराती भी
मारी गए आका जदू दादा बेटा मरी है ओदी बहू मरी है सारे बराती मरे ने ओ कोई भी दिन खाली छोड़नी दिंदी बारह बरे आ गए ने ओ सवेरे आती है शामी जाती है पुत्र दिया उड़ी को रख दी है आका हुजूर दे दे करम कीता जाए मेरे आका गौसे जली ने फरमाया जाओ उस माई नू लेके आवो नाल अपने खादिम नू फरमाउंदे ने माई नू रस्ते विच मुतमिन करदा जावी माई नू आखी अम्मा मुतमिन रहो मैं तेनू ओदे कोल लेके चली आवा जिदी रब कल मनदा है अगर उन्हें हाथ उठा ले अल्लाह ताला ओदी हथों दी लाज रखदियां होया तेनू तेरा बेटा जरूर मिलवाएगा ए दरगौसे पाक दा मलंग गौसे पाक दा मन्नण आला आप दा संगी अर खादिम माई नू लेके आंदा पिया ए दरबाई हजरत गौसे पाक दे करीब खड़ी आ गई हुण मैं किवें रंग बयान करा तुहाडा पसंदीदा रुबाई पढ़ देना हजरत जना बेगौसे आजम सरकार ने एज करके आसमाना वल उठा ले आसमाना वल हाथ उठा के मेरे गौस अल्लाह दे हुजूर दुआवां करण लग पे दुआवां ते इल्तिजावां करण लग पे अल्लाह दी वली ने हाथ उठा ले कदी अपने नाने दा वसीला पेश कर दे आणगे कदी नाने मुहम्मद दा वसीला दे दे आणगे कदी बाबे अली दा वसीला दे दे आणगे माई आखन लगी है कौन ने मलंग आखन लगा ए हसन दी भी औलाद ए हुसैन दी भी औलाद ए अली दा लाल ए नबी दी आल ए मोहम्मद दी आल ए अली दा लाल ए दर हजरत गौस लाज़म दुआवां ते इल्तिजावां पे कर देने परेशानियां मालिका दूर कर दे तैनो शाने जी शान दा वास्ताई जिस फतह कीता सी खैबर उस अली कुल ईमान दा वास्ताई विच करबल दिती सी जो अकबर उस फजर अजान सताई कटे सिर नाल पढ़िया कुरान जिसने उस कारी है कुरान दवास कटे सिर नाल पढ़िया कुरान जिने हुण कोई भी चुप ना रवे तुसी भी ये मिसरा पढ़ो जरा लुत्फ आवे कटे सिर नाल पढ़िया कुरान जिसने कटे सिर नाल पढ़िया कुरान जिसने है कटे सिर नाल कुरान जिने उस कारी है कुरान दा वास्ता ए दर हजरत गौस लाजम सरकार ने दुआ कीती है दुआ करण दी देर पानी ने जोश मारिया सारे दा सारा बेड़ा सारे ताकत होंदे ताकत बहुत ओ नानो दित्ती
ਬਹਾਨੀ ਮੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ ਸੈਯਦ ਕੁਤਬ ਰਬਾਨੀ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਫਿਰਾਕੂੰ ਦੁਨੀ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਨਮਾਣੀ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ ਤਰਵਾ ਲਿਆ ਸੈਯਦ ਕੁਤਬ ਰਬਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਮਰਦ ਨਿਗਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਵੇ ਨਾ ਕਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਿਰ ਇਸਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 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 ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਔਰ ਤਹਕੀਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾਂਗੇ ਦੋਹਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਨਵਾਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਹਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਜ਼ਿਲਹਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਉਨਵਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਨਵਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਈਏ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਬੂਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਸ਼ ਆਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਲਾ ਸਾਡਾ ਗਾਸ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਲਾਰਾ ਏ ਫੈਜ਼ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏ ਪੜੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾਹ ਗੜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਏ ਪੜੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਪੰਨੇ ਲਾਵੇਗਾ
غوث پیارا آوے گا پڑھئے لا الہ ساڑھے دے کرمی کما جاوی سانو اپنی آزم آجانی پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ